हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक और सीरीज मसाया के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस सीरीज में, जिस वजह से आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को क्लियर कर लेते हैं कि इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज किया गया है। और जी हाँ, इस शो की हिंदी डबिंग भी काफी अच्छी की गई है, बट उसके बावजूद भी आपको सबटाइटल की मदद ही लेनी पड़ेगी इस सीरीज को पूरी तरीके से समझने में, क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज इसको अरेबिक में ही रखा गया है। ठीक इसके पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई नार्कोस की सीरीज की तरह, उसमें भी सिचुएशन कुछ इसी तरीके की थी और लोग एक हिसाब से थोड़े कंफ्यूज थे नार्कोस को देखकर। और अब मसाया के साथ भी कुछ इसी तरीके की चीजें होने वाली है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये पूरा शो हमें हिंदी डब में समझ आ जाता है। और अब दूसरे पॉइंट पर आए तो इस शो के टोटल 10 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड लगभग 50 मिनट का है, जिसके अकॉर्डिंग अगर टोटल रनिंग टाइम की बात करें तो आपको इस पूरे के पूरे सीजन 1 के शो को देखने के लिए अपने 8 घंटे देने होंगे, जो कि वर्थ इट है भी या नहीं तो उसका जवाब निकल कर आएगा जी हाँ। अगर आप इस शो को काफी ज्यादा पेशेंस रख कर देखोगे तो आपको ये शो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और अगर पेशेंस ना हो तो मेरी सलाह यही होगी कि आप इस शो से कोसों दूर रहे, क्योंकि एक हिसाब से ये शो आपको बोर करेगा। जी हाँ, अगर मैं मेरी बात भी करूँ तो जी हाँ, इस शो ने मुझे भी थोड़ा बोर किया है, खास करके इसके एंड के 3 एपिसोड्स में। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये शो एक ऐसा शो है जिसे आप पूरा कंप्लीट किए बिना रुक ही नहीं सकते। ये शो की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि जिस तरीके से मसाया के कैरेक्टर को इस पूरे के पूरे शो में धीरे धीरे कर बिल्ड किया गया है, वो चीज हमारा भी टेंशन बढ़ाती है कि एक्चुअल में मसाया है कौन और उसका मकसद क्या है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादातर तो लोग फिल्मों के ट्रेलर को ही देखकर ये चीजें गेस कर लेते हैं कि एक्चुअल में फिल्म कैसी होगी और सीरीज कैसे। ये चीज सभी सीरीज और फिल्मों पर लागू नहीं होती, क्योंकि कुछ फिल्में और सीरीज ऐसी होती है जिनके ट्रेलर को ही देखकर हमें ये बात पता चल जाती है कि वो शो और सीरीज थर्ड क्लास है भी या नहीं। लेकिन बात करें मसाया जैसी सीरीज की तो इसे YouTube पर काफी ज्यादा हेट मिला है और लोगों ने इस शो में दिखाए गए मसीहा यानी अल मसीह के कैरेक्टर को दज्जाल और एंटी क्राइस्ट तक से कंपेयर कर दिया है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे नाम है जिनकी एक पूरी की पूरी अलग ही हिस्ट्री है। लेकिन फिलहाल तो इस शो को देखने के बाद मेरी राय उन सभी चीजों से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि ये शो हमें भले से ही उसी फुट स्टेप पर चलता हुआ क्यों ना नजर आए, बट इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ पर पूरी की पूरी सीरीज की टीम की तरफ से ये मेहनत की गई है कि किस तरीके से आज की तारीख में लोग किसे भी बहुत जल्दी फेमस कर देते हैं, खास करके धर्म के मामले में। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस उस शख्स या फिर उससे जुड़ी चीजों को एक्सपोज करना चाहते हैं, और यही सारी चीजें हमें इस सीरीज में भी देखने मिलती है। और इस शो में अल मसीह को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी एजेंट ईवा पर है, जिस कैरेक्टर का रोल इस सीरीज में प्ले कर रही है मिचेल मोनेगन। इनके अलावा हमें जितने भी कैरेक्टर इस पूरी की पूरी सीरीज में नजर आए हैं उन सभी का रोल हमें इस सीरीज में पसंद आता है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की एक अलग ही स्टोरी है जिन सभी के तार अल मसीह से जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। और इन्हीं सभी के चलते हुए ये शो हमें सेकंड सीजन के लिए भी पूरी तरीके से रेडी कर देता है, क्योंकि जिस तरीके की उम्मीद हमने इसके सीजन 1 को देखकर लगाई थी वो उम्मीद ये शो बिल्कुल भी टूटने नहीं देता, भले से ही शो का रनिंग टाइम काफी ज्यादा लंबा भी हो तो भी, जिससे हमें ये तो उम्मीद बैठ गई है कि सीजन 2 बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होगा। और सीजन 2 में जाकर मसाया के कैरेक्टर के और भी काफी सारी डिटेल्स हमें मिलेगी, यानी राज पर से पर्दा उठेगा कि एक्चुअल में मसाया का मकसद है क्या, आई मीन अल मसीह का। क्योंकि सारी की सारी डिटेल्स ही अगर इसके सीजन 1 में दे दी जाएगी तो डेफिनेटली सीजन 2 तो बनेगा नहीं। और जिस तरीके से पूरे के पूरे शो को लिखा गया है उसे देखकर तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस शो की एक लंबी प्लानिंग की गई है ताकि शो को एक परफेक्ट एंड मिले, और शुरुआत भी अच्छी ही है। और उसके बाद अगर किसी चीज की तारीफ की जाएगी तो वो ऑब्वियसली अल मसीह के रोल कर रहे एक्टर मेहंदी देवी की होगी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस हमें इस पूरी की पूरी सीरीज में काफी ज्यादा अच्छी लगती है, भले से ही उन्हें इस सीरीज में काफी कम डायलॉग्स क्यों ना दिए गए हो। लेकिन जितने भी डायलॉग्स इस शो में हर एक कैरेक्टर्स को दिए गए हैं, खास करके अल मसीह के कैरेक्टर को, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मैंने कहा, इसके शो के रिलीज होने से पहले ही इस पर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी, जिनमें से काफी लोगों ने इस शो को हेट किया था। लेकिन अब शो के रिलीज हो जाने के बाद मुझे लगता है उन सभी के सभी लोगों की सोच बदल जाएगी, क्योंकि शो उन सभी चीजों को साइड में रखकर बनाया गया है। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो जी हाँ, इस शो का डायरेक्शन भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, जो कि केट वुड्स और मैक टिगुन की तरफ से किए गए हैं। और हाँ, आपके दिमाग में ये भी चीज होती है जो मुझसे आप हर बार पूछते हो कि क्या ये शो बच्चों के लिए है या नहीं, तो जवाब है जी नहीं। आप इस शो को अपनी पूरी फैमिली के साथ भी बैठकर नहीं देख सकते, क्योंकि शो के 7th और 9th एपिसोड में हमें कुछ सीन्स दिखाए गए हैं जो कि मुझे नहीं लगता है कि उन सभी की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उन सीन्स को इस शो में डाला गया है। खैर, तो अब आ जाते हैं इस शो की सीधे सीधे रेटिंग्स पर, क्योंकि शो अच्छा है और जबरदस्ती की वीडियो को लंबा कर तो कोई मतलब बनने वाला है नहीं। तो अब अगर मैं सीधे बात करूं इस शो के एक्शंस की, तो ये पूरा का पूरा शो अगर किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ड्रामा। लेकिन फिर भी अगर एक्शंस की बात करें तो शो में काफी माइनर से एक्शन है, जिसके चलते मैं एक्शन को दूंगा
दूंगा 5 में से आधे स्टार। और बात करें कॉमेडी की तो कॉमेडी शो के लिए होगी 0 की, क्योंकि कॉमेडी पूरे शो में है नहीं। इसके बाद बात करें ड्रामा की तो शो का ड्रामा ही काफी ज्यादा ग्रीपी है, बट लेंथ की वजह से ये चीज यहाँ पर भी मार खाती है, जिसके चलते ड्रामा को मैं दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। और आ जाए हॉरर पर तो हॉरर की रेटिंग होगी 5 में से आधे स्टार की, क्योंकि शो में कुछ काफी माइनर से हॉरर सीन्स भी दिखाए गए हैं। उसके बाद सस्पेंस की बात की जाए तो पूरे के पूरे शो को सस्पेंस में ही रखा गया और सस्पेंस में खत्म कर दिया गया, यानी अब भी सस्पेंस पर से पर्दा नहीं हटा कि एक्चुअल में अल मसाया का कैरेक्टर करने क्या वाला है। इसके अलावा शो में हर एक कैरेक्टर की भी हमें थोड़ी बहुत बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिनमें कुछ राज छुपे हुए हैं, और उन्हें ये शो काफी अच्छी तरीके से कैरी करता है, जिसके चलते सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग होगी 5 में से 2.5 स्टार की। और बात करें मासस ऑडियंस की तो जी नहीं, ये शो तो मासस ऑडियंस को पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि जो चीज मासस ऑडियंस इस शो को लेकर देखना चाहते हैं वो इन्हें देखने नहीं मिलेगी, और शो बस उन्हें सिंपल सा बोर करेगा, जिसके चलते उनकी नजर में शो की रेटिंग होगी C- की। और बात करें क्रिटिक्स की तो जी हाँ, ये शो कुछ क्रिटिक्स को पसंद आएगा और कुछ को नहीं, जिसके चलते उनकी नजर में शो की रेटिंग होगी B की। और बात करें मेरी तो मुझे ये शो एक अच्छा एंटरटेनिंग शो लगा है, बस जो गलती मैंने आपको स्टार्ट में बताई है शो की लेंथ को लेकर, वो इस शो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मेरे हिसाब से आप ये पूछो कि इस शो को कितने एपिसोड में खत्म कर देना चाहिए था, तो मेरी राय रहेगी 6 एपिसोड्स, बट फिर भी नेटफ्लिक्स की तरफ से इस शो के टोटल 10 एपिसोड्स बनाए गए, जिसके चलते इस शो को लेकर मेरी रेटिंग होगी B+ की, क्योंकि ये एक वर्थ वॉच शो तो है बाकी दूसरे सभी एंगल्स की वजह से। इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शो को एक बार तो जरूर देखें, क्योंकि शो हिंदी में भी अवेलेबल है। वेल, तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। ये थी मेरी राय नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ इस साल का पहला शो मसाया से रिलेटेड। तो अब आपकी क्या राय है उन सभी डिटेल्स के बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लग गया तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।